What's up guys, मेरा नाम है मांशु और आपका एक बार फिर से स्वागत है इंडियन व्लॉग्स में। इंडियन व्लॉग्स में आपका स्वागत है और आज हम आ चुके हैं देहरादून के FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और ये बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर कई सारी फिल्म्स की शूटिंग हुई है। आज हम आपको पूरी यूनिवर्सिटी यहाँ पर घुमाएंगे, कहाँ पर शूटिंग हुई है, कौन कौन सी पिक्चर की शूटिंग हुई है, आपको सब घुमाएंगे। आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ पर अंदर आ चुके हैं, ये हमारा एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर ये एंट्रेंस है और अभी हमने यहाँ से अंदर आए हैं। यहाँ पर हमने टिकट लिया है और यहाँ पर DSLR या अगर आप कार वगैरह लेके जाते हैं तो उसके अलग प्राइस लगते हैं। ये देख सकते हैं सामने सीधा रोड गया है और अभी हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। लोग आते हैं काफी दूर दूर से, यहाँ पर लोग घूमने आते हैं और हमने भी प्रोग्राम बनाया था कि देहरादून आएंगे तो FRI जरूर आएंगे। और आपको पता होगा शायद कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर और स्टूडेंट ऑफ द ईयर सेकंड इज माय फ्रेंड। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर टुडे जस्ट कमिंग ऑन द FRI यूनिवर्सिटी एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द नाइस व्यू। यू जस्ट चेक दैट साइड एंड दैट साइड and it's the very sunny day of the morning time and today is the very relaxed and we just going to the FRI यूनिवर्सिटी। यहाँ की हरियाली और यहाँ पर का जो नेचर है, मतलब यहाँ पर धूप काफी तेज है लेकिन ये धूप बहुत ही अच्छी लग रही है। मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा तपन नहीं लग रही है, यहाँ का मौसम जो है वो काफी ठंडा है। यूपी या आप देख सकते हैं कि मई का ये महीना चल रहा है तो मोस्टली यहाँ पर समर में बहुत गर्मी होती है लेकिन पसीना वगैरह में, लेकिन यहाँ पर गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है, बहुत ही अच्छा ठंडा मौसम है और यहाँ धूप को एंजॉय कर सकते हैं। देखना कि साइड में यहाँ पे ये बहुत ग्रीन पेड़ बड़े बड़े लगे हैं। अगर हाँ, यहाँ पर काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर मैराथन होगी, चलना बहुत पड़ेगा लेकिन मज़ा बहुत आएगा, आप लोग भी आने और आप आगे देख सकते हो कितनी बड़ी। अभी हमने यहाँ से स्टार्ट किया है चलना और पीछे भी हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर कई लोग आते हैं यहाँ पर घूमने, स्टूडेंट्स हुए या और भी लोग। यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है अंदर, यहाँ पर काफ़ी ध्यान दिया है नेचर के ऊपर और जिस हिसाब से देख रहे हैं आप यहाँ की साफ सफाई से लेकर मतलब हर चीज़ बहुत ही ध्यान दिया गया है और इसीलिए आज ये काफ़ी फेमस है। काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, काफ़ी पॉपुलर भी।
सब बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम टू इंडियन ब्लॉग्स। एक बार फिर से अभी हम देहरादून के एंट्रेंस पर थे, अब हम अंदर आए हैं और आप पीछे मेरे देख सकते हैं ये यहाँ का एक मेन जो यूनिवर्सिटी है उसका एक ये मेन गेट है और इसके अलावा भी यहाँ पर कई सारे गेट है, कई सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ और आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्यटक बहुत ही अच्छी तादाद में आते हैं। यहाँ पर इतने सारे लोग यहाँ पर अपने गर्लफ्रेंड्स को लेकर फैमिली को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं तो फुल मजे हो रहे हैं यहाँ पर। आइए हम आपको इसके अंदर ले चलते हैं और आइए हम इसके अंदर आपको इसके अंदर ले चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या है। जैसा कि हमने सुना है कि यहाँ पर कई सारी मूवीज की शूटिंग हुई है, देखते हैं कौन सी वो जगह है जहाँ पर। शांत रहने के लिए बोला गया है, ये आप देख सकते हैं आगंतुकों के लिए है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर काफी पुराना बना हुआ है, ये है जहाँ पर लोग शूटिंग करते हैं, अभी लोग फोटो वोटो खींचते हैं। और देखते हैं अंदर क्या क्या बना है। यहाँ पर जैसे आप इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, अगर रहिए शांत रहिए यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका यहाँ पर पालन किया जाए, कीप साइलेंस। चलिए रोशन ये वेदर के लिए लिखा हुआ है, मैक्सिमम टेम्परेचर 34 रहेगा देहरादून का और मिनिमम 14। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिसमें आज की डेट है और ये मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पर टेम्परेचर लिखा हुआ है आज का, तो ये बहुत ही कूल दिख रहा है। रेनफॉल की संभावना मिनिमम
यूपी से आए हैं, कानपुर से आए हैं, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा रश रहता है, ये सब देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप देहरादून में ही रहते हैं तो ये प्रेम मंदिर क्या है वो जगह, प्रेम नगर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है और बहुत ही शानदार जगह है। जैसे कि आप देख रहे हैं चारों तरफ हरियाली है, और अगर आप देहरादून में रहते हैं या अगर आप बाहर आते हैं देहरादून से, देहरादून घूमने के लिए, तो हम आपको बता दें कि जब आप देहरादून से प्रेम नगर की तरफ जाएंगे तो आपको ये 20 रास्ते में मिलती है यह यूनिवर्सिटी। तो एक बार यहाँ पर आएँ, विज़िट ज़रूर करें, और जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक पर्सन का टिकट जो है 10 रुपये लगता है, और अगर आप यहाँ पर कैमरा लेकर आते हैं अपना खुद का, जैसे DSLR लेकर आते हैं, तो उसका अलग से 50 रुपये भी पड़ता है। और इसके अलावा जब आप अंदर की तरफ घूमने आएंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी, म्यूज़ियम्स मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट बसेज आती हैं, जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं वहाँ से लोग आते हैं। और अगर बात करें हम यहाँ पर, अगर जैसे आप आते हैं तो यहाँ पर करीब कम से कम आपको 4 से 5 घंटे यहाँ पर बिताने होंगे अगर आपको पूरी यूनिवर्सिटी घूमनी है। और कई जगह पर शूटिंग यहाँ पर अलाउ भी नहीं है, तो इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा पाए आपको यहाँ पर, लेकिन मैक्सिमम जो चीज़ें हम आपको दिखा सकते थे वो हमने आपको आज दिखाई। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर, हाँ, अगर फूड की बात की जाए तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपको पिज़्ज़ा मिलेगा और समोसा, चाय, कोल्ड ड्रिंक सब मिलेगा, लेकिन आपको फुल मील के लिए आप अपना अगर घर से लेके आते हो वो तो बेस्ट है। और वैसे यहाँ सस्ता है काफ़ी खाना, लेकिन यहाँ पर अगर फुल खाना अगर आप खाना चाहते हो आप घर से ही लेकर आएँ। और यहाँ पर पानी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, और यहाँ पर क्लीनिंग मतलब साफ़ सफाई और इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, इसलिए ये इस समय काफ़ी जो डेकोरेटेड लगती है काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। तो आप एक बार जब भी अगर देहरादून आएँ तो प्लीज़ यहाँ पर विज़िट ज़रूर करें, और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को, इंडियन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो को, अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, ये कैसी लगी यूनिवर्सिटी, और कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग, और कौन सा ब्लॉग आप देखना चाहते हैं, या आपके जो भी नए सजेशंस हैं हमें इस कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उनमें सुधार करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक शेयर करें, फेसबुक शेयर करें, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, जहाँ पर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वहाँ पर शेयर करें, और हमें नई नई राय दें। बस इसी के साथ हम अपना इसी वीडियो ख़त्म करते हैं। सो बाय बाय, टाटा।